नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। देश में लॉकडाउन चल रहा है और लोग अपने घरों में वक्त बिता रहे हैं। ऐसे में वो आम दिनों के मुकाबले लॉकडाउन में मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आपको अपने इस्तेमाल के मुताबिक सही प्लान चुनना जरूरी है। जैसे कुछ यूजर्स ज्यादा डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ कॉल करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ कॉल रिसीव करते हैं। ऐसे यूजर्स को हमने तीन कैटेगरी में बांटा है। जो इनकमिंग कॉल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो कैटेगरी वन में है। ज्यादा आउटगोइंग और कम डेटा का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए कैटेगरी टू और ज्यादा डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग वालों के लिए कैटेगरी थ्री। इसी कैटेगरी के मुताबिक आज हम आपको देश की तीन बड़ी टेलीकॉम कंपनियों का बेस्ट प्लान बताने जा रहे हैं। एयरटेल के बेस्ट प्रीपेड प्लान कैटेगरी वन यूजर्स। कैटेगरी वन के यूजर्स के लिए एयरटेल का 79 रुपए का प्लान बेस्ट, जो 64 रुपए का टॉक टाइम 60 पैसे प्रति मिनट के हिसाब से सभी नेटवर्क्स पर कॉल ऑफर करता है। साथ ही 28 दिनों के लिए 200 MB हाई स्पीड डेटा भी इसमें मिलता है। कैटेगरी टू यूजर्स। कैटेगरी टू यूजर्स के लिए कंपनी का 379 रुपए वाला प्लान बढ़िया है, जो 84 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें 6 GB डेटा, 900 SMS और सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। 1,498 रुपए के रिचार्ज पर इस प्लान में 365 दिन वैलिडिटी मिलती है। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के अलावा 3,600 SMS और 24 GB डेटा मिलता है। कैटेगरी थ्री यूजर्स। कैटेगरी थ्री के उपभोक्ताओं के लिए रोज 1.5 GB से लेकर 3 GB तक डेटा ऑफर करने वाले कई प्लान है। 1.5 GB डेली डेटा वाले यूजर्स के लिए बेस्ट प्लान 598 रुपए का है, जो 84 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। वोडाफोन आइडिया के बेस्ट प्रीपेड प्लान कैटेगरी वन यूजर। कैटेगरी वन के यूजर हो तो कंपनी का 79 रुपए वाला प्लान बेस्ट होगा, जो 64 रुपए का टॉक टाइम देता है और 1 पैसा प्रति सेकंड के रेट पर सभी नेटवर्क्स पर कॉलिंग की जा सकती है। इसमें 200 MB डेटा भी मिलता है। इसके अलावा 95 रुपए वाला प्लान भी चुन सकते हैं। इसमें 75 रुपए टॉक टाइम, 2.5 पैसे प्रति मिनट कॉलिंग के लिए और 200 MB डेटा 56 दिनों के लिए देता है। कैटेगरी टू यूजर्स। ज्यादा आउटगोइंग कॉल वाले यूजर्स 379 रुपए वाला प्लान चुन सकते हैं। इसमें 84 दिन की वैलिडिटी के साथ 6 GB डेटा और 1,000 SMS के साथ सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। 365 दिन के लिए वैलिड 1,499 रुपए वाला प्लान भी चुना जा सकता है, जो अनलिमिटेड कॉलिंग के अलावा 24 GB डेटा और 3,600 SMS भी मिलते हैं। कैटेगरी थ्री यूजर्स। ज्यादा डेटा यूज करने वाले यूजर्स के लिए कंपनी के पास कई प्लान्स हैं, जिनमें अनलिमिटेड कॉलिंग के अलावा डेली डेटा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। 399 रुपए में 56 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल और हर दिन 1.5 GB डेटा और 449 रुपए वाले प्लान 56 दिन के लिए रोज 2 GB डेली डेटा ऑफर करते हैं। 599 में 1.5 GB डेटा रोज 84 दिन मिलेगा अनलिमिटेड कॉल के साथ। जियो के बेस्ट प्रीपेड प्लान कैटेगरी वन यूजर्स। ज्यादा इनकमिंग यूज करने वालों के लिए जियो का 98 रुपए वाला प्लान बेस्ट है। 28 दिन की वैलिडिटी के साथ इसमें 2 GB डेटा के साथ 300 SMS और अनलिमिटेड जियो से जियो कॉलिंग मिलती है। बाकी नेटवर्क्स पर कॉलिंग के लिए 10 रुपए का टॉपअप किया जा सकता है, जो 124 मिनट देता है। कैटेगरी टू यूजर्स। ज्यादा बात करने वालों के लिए 329 रुपए वाला प्लान बेस्ट होगा, जो 84 दिन के लिए 6 GB डेटा और जियो नंबर पर अनलिमिटेड कॉलिंग देता है। बाकी नेटवर्क्स पर कॉलिंग के लिए 3000 मिनट दिए जा रहे हैं और इस पैक में 1,000 SMS भी मिलते हैं। कैटेगरी वन के यूजर्स भी लंबी वैलिडिटी चाहे तो इससे रिचार्ज कर सकते हैं। कैटेगरी थ्री यूजर्स। ज्यादा डेटा इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए कई प्लान्स हैं। इनमें सबसे पॉपुलर है 1.5 GB डेली डेटा वाला 199 रुपए का प्लान, जिसमें 28 दिन की वैलिडिटी और अनलिमिटेड कॉलिंग जियो नेटवर्क पर देता है। इसके अलावा 399 में 56 दिन की वैलिडिटी, 555 में 84 दिन की वैलिडिटी मिलती है, जबकि 599 में 2 GB हर रोज 84 दिन की वैलिडिटी वाला रिचार्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा 251 रुपए का जियो का वर्क फ्रॉम होम पैक भी रिचार्ज करवा सकते हैं, जिसमें 51 दिनों तक रोज 2 GB डेटा मिलेगा।
ये कुछ चुनिंदा प्लान हैं जिन्हें आप अपनी जरूरत के हिसाब से रिचार्ज करवा सकते हैं।